हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन एच यू के हर्व कंप्यूटर सीरीज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू प्रीवियस वीडियोज में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में जाना था अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं मैं कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर को लेक्चर टू लेक्चर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया गया है उसको क्लियर कर सकते हैं आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज स्टूडेंट्स सम टाइम्स लेटर बिकम्स नैवर डू इट नाउ लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज इज व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में File name ka maximum length 4, 5, 8, 12. Student, mark your answer and analyze your preparation. Yes, your right answer is option number 3. 8 is the maximum length of file name in disk operating system. Next is what is the mean of the booting in the operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग से क्या अभिप्राय है रिस्टार्टिंग कंप्यूटर इंस्टॉल द प्रोग्राम टू स्कैन टू टर्न ऑफ राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन रिस्टार्टिंग कंप्यूटर नेक्स्ट इज लिनक्स इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर लिनक्स एक डैश टाइप का सॉफ्टवेयर है हिडन टाइप ओपन सोर्स कॉमर्शियल शेयरवेयर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू ओपन सोर्स लिनिक्स एक ओपन सोर्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कॉपी एंटिटीज यूजर को इतने राइट right ग्रांड करवाती है कि यूजर जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इजिली यूज कर सकता है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है दैट इज प्लस मॉडिफाई कर सकता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन लिनिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक तरह से फ्री टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं नेक्स्ट इज विथ सोर्स प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली कौन सी प्रोसेस ये इंश्योर करती है कि कंप्यूटर के कंप्यूटर प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है प्रॉपरली कनेक्टेड है बूटिंग प्रोसेसिंग एडिटिंग नन ऑफ दीज The right answer is option number one booting. Next is which one of the following dir commands list a group of files? In my con, see dir command a files list of group of files dir invoice.bs dir rescue.bs dir tool interrogation dot bs none of these here right answer is dir tool question mark dot bs next is which of the following is an operating system inme se say ek operating system hai google chrome mozilla debugger or linux so अगर आप कॉन्टीन्यूसली हमारी वीडियोस देख रहे हो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं इट्स लिनस लिनक्स ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स बास डिवेल्प बाई यूनिक्स का यूनिक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट वर्जन कब डिवेल्प किया गया था और किसके द्वारा किया गया था कैन थॉम्पसन प्रास्पर इकट डब्ल्यू मोचली हारमन हॉलिथ राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन कैन थॉम्पसन नेक्स्ट इज विच दाइल नेम इज इनवैलिड इन डॉस इनमें से कौन सा फाइल नेम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इनवैलिड है आर आई टी डॉट बी ए टी लिसन डॉट विन आर एल यू ए डॉट बीट बी टी टी or talk.bs so here rluab.t is an invalid file name in this operating system This operating system made .bat .bin .BS are valid file names next is restart of computer is called dash when computer is already on कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है और आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर रहे हो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कोल्ड वार्म बूटिंग लॉगिंग ऑफ सट डाउन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू वार्म बूटिंग बूटिंग इज ऑफ टू टाइप्स बूटिंग मीन्स रिस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इट्स ऑफ टू टाइप वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग अगर आपका कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है और आप दोबारा रिस्टार्ट कर रहे हो इट्स ज वार्म वोटिंग कंप्यूटर कंप्लीटली सट डाउन है आप फर्स्ट टाइम उसको ऑन कर रहे हो दैट इज कोल्ड वोटिंग नेक्स्ट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बास डिवेल्प बाई जियो आई किसके द्वारा डवेल्प किया गया था एप्पल इन कॉरपोरेशन माइक्रोसॉफ्ट जीरोक्स कॉरपोरेशन और नन ऑफ दीज दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है जिसने भी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, वो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं so, right जिन्होंने नहीं किया है वो उनके लिए आंसर रहेगा जीरोक्स कॉरपोरेशन आपने बताना है कि ग्राफिकल यूजर, यूजर इंटरफेस जीरोक्स कॉरपोरेशन के द्वारा कब डेवलप किया गया था इन कमेंट बॉक्स Next is which of the following refers to the means by which an operating system or any other program interacts with the user? A operating system or a program, so this say user interact, karta hai. user interface, programming interface, user login, user compatibility. The right answer is user interface. इंटरफेस हेल्प इन इंट्रैक्शन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर नेक्स्ट इज ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ फर्म्स ट्रांजेक्शन एट वन टाइम इज कॉल्ड एक फर्म्स की सभी ट्रांजेक्शन को एक ही टाइम पर ग्रुपिंग करना और प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है ऑन टाइम सिस्टम रियल टाइम सिस्टम डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और बैच प्रोसेसिंग बैच प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर फोर इज अ राइट आंसर बैच प्रोसेसिंग में डिफरेंट टास्क को ग्रुप कर दिया जाता है और उनको एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ और एन डैस एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इट्स एन सिस्टम सॉफ्टवेयर नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डैट कंट्रोल्स हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोग्राम्स की कलेक्शन जो ये कंट्रोल करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे रन करेगा कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा कहलाता है ऑफिस कंप्यूटर कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन नहीं है फाइल मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट नेटवर्किंग प्रोसेसर मैनेजमेंट मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के फोर फंक्शन रहते हैं फाइल मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेसर मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट नेटवर्किंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री next is dos floppy disk slash operating system doesn't have dos floppy disk or operating system Me? can he hai? a boot record a file allocation table a root directory a virtual memory all of the above so right answer is it contains all of the above नेक्स्ट इज यूजली इन एम डॉस द प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव हैज द ड्राइव लेटर यूजअली एम डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव में कितने ड्राइव लेटर होते हैं ए कौन सा ड्राइव लेटर रहता है ए बी सी और डी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री सी नेक्स्ट इज Which of the following is not usual file extension in DOS? In basic con si DOS may usual file extension nahi hai. exe dot zero bat com. So a right answer is dot zero is not an extension in DOS. Dot .com are common extensions. Next is in DOS the DIR command is used to डॉस में डी आई आर कमांड का इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल टू डिलीट फाइल टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्शन कॉपी फाइल्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज नेक्स्ट स्टूडेंट्स दिज ऑल क्वेश्चन आर हाईली सिलेक्टेड फॉर योर एग्जाम्स डोंट मिस दिस चांस गो थ्रू फुल वीडियो इट विल हेल्प यू अलॉट कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर का नहीं रहता है कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को अनालाइज किया गया है आप एक क्वेश्चन यहीं से बनेंगे नेक्स्ट इज डाटा फाइल्स एग्ज्यूटिव फाइल्स सिस्टम सॉफ्टवेयर दिस्टम राइट आंसर इज एप्लीकेशन ऑफर टू एज एग्जीक्यूटिवल फाइल्स नेक्स्ट वट इज रिक्वायर्ड टू कोल्ड वुट अ पी सी एक पी सी को कोल्ड वुट करने के लिए पीसी पर्सनल कंप्यूटर क्या रिक्वायर्ड रहता है कौन सी डिस्क रिक्वायर्ड रहती है सेटअप डिस्क सिस्टम डिस्क डायग्नोस्टिक डिस्क प्रोग्राम डिस्क राइट आंसर इज सिस्टम डिस्क इज रिक्वायर्ड टू कोल्ड वुट अ पर्सनल कंप्यूटर नेक्स्ट कर्नल रिमेन्स इन कर्नल्स कहाता है मेन मेमरी में वर्चुअल मेमरी कैसे मेमरी और ऑल सो वट इज कर्नल कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर रहता है जो स्पोर्ट करता है प्रोसेस को उनको

फ्राम व्यर डेट एंड टाइम कैन बी रीसेट डेट और टाइम कहाँ से रीसेट की जा सकती है फ्राम राइट कैलेंडर राइट फाइल और कंट्रोल पैनल राइट आंसर इज फ्राम कंट्रोल पैनल नेक्स्ट एम एस विंडोज इज़ अ डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एमएस विंडो एक डैश टाइप का सॉफ्टवेयर है सी यू आई जी ओ आई एम यू आई और सी एल आई सी यू आई करैक्टर User interface, GUI, graphical user interface, and CLI, character line interface. So, also known as command line interface. So, here, right answer is MS window is a GUI, graphical user interface type of software. Next, which of the following is a Microsoft operating system? In my are a Microsoft operating system here MS docs. MS DOS, Windows 7, Windows 8? The right answer is MS DOS. MS DOS, Microsoft Disk Operating System, is a Microsoft operating system. It was developed by Microsoft in 1980 for microcomputers. DOS operating system. Later on, MS DOS was first run on PC.

Option number three, multi programming. This is all about operating system, all in one video. Jitne question operating and if you like the video then don't forget like share and subscribe and also press press bell icon to get further notifications and for full crash course you can consult our professionals on our whatsapp number 8278723715 thank you